Hello students and welcome back to Balaji Online Classes. Hoping you are doing well, staying home, staying safe. Today, I am Bhavneer Stogi going to elaborate your chapter 2nd, Chuk Chuk. But before we start the chapter, let's meet the characters. Rahul, Rahul's grandfather who bought him a red toy train. Rahul's friend Atul who comes to his home to see the red toy train. And Rahul's toys. Jumbo, who is an elephant, Mittu, and Teddy. Teddy is the leader of the toys, and they happily live in a basket. They all are friends. Let's start. Chuk Chuk was a red toy train. It had a powerful headlight, a bell, three carriages, and many strong wheels. Whenever Chuk Chuk moved, the headlight shone brightly and the bell rang loudly. Chuk Chuk ek red toy train hai, jiske paas powerful headlights hai, ek bell hai, three carriages hai aur bahut sari strong wheels hai. Aap logon mein se kai logon ke paas mein, kai students ke paas mein shayad toy train hogi aur agar nahi hai, to unhone toy train dekhi hogi ki kaise ek टॉय ट्रेन होती है और उसके आगे एक हेडलाइट लगी होती है. जैसे कि ओरिजिनल ट्रेन होती है वो एक्चुअली उस तरह से ही शोन की जाती है. उसमें बेल भी होती है, कैरेजेस जिसमें पीछे सामान रखा जाता है या जिसमें लोग बैठते हैं, जो डिब्बे होते हैं उसको कैरेजेस बोलते हैं, वो होते हैं. और स्ट्रॉन्ग व्हील्स, भैया आप ट्रेन के बाद अगर स्ट्रॉन्ग व्हील्स नहीं होंगे तो वो चलेगी कैसे इतने सारे लोगों को लेके. तो जैसे कि एक ओरिजिनल ट्रेन होती है वो भी बिल्कुल वैसी होती है, बट वो टॉय ट्रेन होती है बच्चों के लिए. जब भी चुक चुक चलती है तो उसकी हेडलाइट, जैसे वो स्टार्ट होती है तो उसकी हेडलाइट बहुत ब्राइट चमकने लगती है और उसकी बेल, जैसे कि हॉर्न होता है, इसमें बेल बोला गया. एक्चुअली ट्रेन में जो हॉर्न होता है जब ट्रेन स्टार्ट होती है वो बहुत जोर से ब्लो करती है, उसी तरह से इस टॉय ट्रेन में भी एक हॉर्न एक बेल है. जब वो स्टार्ट होती है तो वो भी बहुत जोर से हॉर्न बेल करना स्टार्ट करती है. ऑल द चिल्ड्रन पासिंग बाय सॉ इट इन द शॉप, दे वुड स्टॉप टू लुक एट इट एंड स्क्रीम. जितने भी बच्चे उस विंडो के पास से जा रहे हैं जहां पर टॉय रखी है बिकने के लिए, वो एक्चुअली एक शॉप में है और एकदम फ्रंट में रखी हुई है, और जितने भी बच्चे उसके पास से गुजर रहे हैं वो रुकते हैं उसे देखने के लिए, क्योंकि वो उस इतनी बच्चों को अच्छी लगती है कि सब उसके पास आके रुकते हैं और स्क्रीम करते हैं कि मुझे भी ये चाहिए, मुझे भी ये चाहिए. जैसे कि आप बच्चे लोग जिद करते हैं वैसे ही वो लोग भी जिद करते हैं कि मेरे को भी ये चाहिए, मेरे को भी ये चाहिए. बट क्या होता है, उसे लेकर कौन जाता है देखते हैं. What a beautiful train. Look how quickly it moves on the railway track. When Chuk Chuk heard these words of praise, it became very proud. जो बच्चे वहां विंडो के पास खड़े होकर स्क्रीम कर रहे थे वो कह रहे थे कि देखो यार कितनी अच्छी ट्रेन है ये, मतलब काश ये मेरे पास हो, ये कितनी अच्छी ट्रेन है. और जब ये सारे बच्चे इसकी तारीफ कर रहे होते हैं तो वो बहुत प्राउड फील करने लगती है, लगता है या जो भी. तो जब ऐसा होता है तो वो उसके अंदर घमंड आ जाता है. क्या होता है बच्चों, ऐसा एक्चुअली हम लोगों के साथ में भी होता है. जब हमारी कोई बहुत तारीफ कर देता है तो हमारे अंदर थोड़ा सा प्राउड, थोड़ा सा घमंड आ जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए. देखिए आगे ये प्राउड इसको किस तरह से जलाता है. बट फॉर नाउ क्योंकि सब उसकी तारीफ कर रहे हैं तो वो खुद पे बहुत प्राउड फील करने लगा है, थोड़ा सा घमंडी हो गया है. बट देखते हैं आगे क्या होता है. One day, a rich man bought the red toy train for his grandson. एक दिन क्या होता है कि एक grandfather अपने grandson के लिए इस toy को खरीद लेते हैं. When Rahul opened the grandfather's present, जब Rahul उस present को जो उसके grandfather ने उसको दिया है खोलता है तो बहुत जोर से चिल्लाता है कि भाई, क्योंकि सभी बच्चों को वो चाहिए थी, विंडो के बाहर खड़े हुए थे, और अब जब उस बच्चे को वो मिल गई है तो जाहिर सी बात है वो बहुत खुश होगा. He put Chuk Chuk in the big basket where he kept his other toys. उसने अपने big basket जहां पे वो other toys को रखता है उसने वहां पे रख लिया. Now Jumbo, the elephant smiled and said welcome Chuk Chuk. Chuk Chuk did not reply.
क्योंकि छुप छुप पहले ही इतना प्राउड कर चुका है खुद पे, इतने सारे बच्चे उसकी तारीफ कर रहे थे। तो जब वो छुप छुप से जब जंबो कहता है कि हेलो, तो उसका रिप्लाई नहीं करता है। फिर वहां पर जो उसके बास्केट में एक और एक है मिट्टू, जो कि एक पैरट है, वो जोर से चिल्लाता है अपनी टर्टरी आवाज में, जैसे कि पैरट बोलता है, और कहता है विल यू गिव अस अ राइड छुक छुक। वो कहता है कि क्या आपने कैरेजेस में आप मुझे बैठा के मुझे राइड कराएंगे। तो वो छुक छुक इस पे भी कोई रिप्लाई नहीं करता है। व्हेन टेडी द लीडर ऑफ द टॉयज ट्राइड टू टॉक टू छुक छुक, जब जो लीडर होता है टॉयज का, वो टेडी, जैसे कि पहले बताया जा चुका है आप लोगों को, वो जब छुक छुक से बात करने की कोशिश करता है तब भी वो बिल्कुल भी रिप्लाई नहीं करता है। When the toys chattered and played during the night, Chuk Chuk sat at the corner. It did not try to make friends and other toys in the basket. जब बाकी के toys आपस में खेल रहे होते हैं तो Chuk Chuk एकदम corner पर बैठ जाता है और बाकी लोगों से वो दोस्ती करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करता, क्योंकि वो उससे लगता है कि वो सबसे अलग है। सारे बच्चे उसे चाहते हैं, वो सबसे अलग है और उसे किसी से फ्रेंडशिप नहीं करनी है इस वक्त। The toys whisper to each other. Chuk Chuk is very proud. It thinks it's better than us. जैसा कि Chuk Chuk को लग ही रहा है, तो ऐसा बाकी टॉयज को भी लगने लगता है कि Chuk Chuk हम लोग से बात नहीं कर रहा, तो हो सकता है शायद इसकी ये वजह हो कि वो खुद पे बहुत प्राउड फील करता है कि वो हम लोगों से अलग है। क्योंकि अगर आप देखो, आप अपने क्लास में बैठे हो, अपने दोस्तों के साथ में बैठे हो, अपने क्लासमेट्स के साथ में बैठे हुए हो, लेकिन अगर आप वो आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं और आप रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो वो आपस में ये सोचने लगते हैं कि पता नहीं क्यों बंदा बात नहीं कर रहा है मेरे से, शायद इसकी अपनी कोई प्रॉब्लम होगी। इसी तरह से स्ट्रेन के साथ में भी है कि वो किसी से बात नहीं कर रहा, तो बाकी टॉय ट्रेज मतलब बाकी जो भी टॉयज हैं वो भी यही सोच रहे हैं कि पता नहीं क्यों इसे इतना घमंड है, ऐसे किसे क्या लगता है, ये हम लोग से अच्छा है। वन इवनिंग राहुल्स फ्रेंड अतुल एंड मोहन केम टू प्ले विथ छुक छुक। They made it run many times round the ground. एक दिन शाम में क्या होता है कि राहुल के फ्रेंड अतुल और मोहन घर आते हैं, और वो क्यों आते हैं, वो छुक छुक से खेलने के लिए आते हैं। तो वो छुक छुक जब बहुत बार राउंड में ग्राउंड में उसको बहुत सारे चक्कर लगवाते हैं। क्या होता है जब हम लोग को नया नया टॉय मिलता है या फिर हम जब कुछ नया नया टॉय देखते हैं तो उसके साथ बहुत 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 खेलते हैं। फिर क्या होता है कि छुक छुक स्टार्ट फीलिंग वेरी टायर्ड एंड स्लीपी। छुक छुक क्योंकि वो इसको उतनी बार उन लोगों ने उसके साथ प्ले किया है कि अब उतनी बार वो रन कर चुका है कि अब वो बहुत स्लीपी, उसे बहुत नींद आ रही है और बहुत बुरी तरह से थक चुका है। देन इट वॉज अ टाइम फॉर द बॉयज टू गो होम। जैसे कि अब शाम हो चुकी है, वो इवनिंग में आई थी कि अब उन लोग घर जाने का टाइम हो गया है। तो अतुल accidentally kicked the chuk chuk, bing bang bong, chuk chuk went flying into the bush. अब शाम हो चुकी है, सबको अपने घर जाने की जल्दी है। अतुल क्या करता है, नॉट इंटेंशनली, क्योंकि वो उसके पैर के पास ही पड़ी होगी, वो उसके साथ खेल रहा था, वो लोग जैसे कि आप लोग भी अपने टॉयज को समेट के नहीं रखते, अच्छे से नहीं रखते, वो उसने भी नहीं रखा। और जब वो जाने लगा तो एक्सीडेंटली उसने क्या किया, उसको किक कर दिया। और जब वो किक किया तो बिंग बैंग बूंग करते हुए अपने बुश मतलब झाड़ियों में जा गिरी, और इट्स पावरफुल हेडलाइट फेल ऑफ। उसकी जो पावरफुल हेडलाइट थी जिसपे उसको बहुत प्राउड था, वो खराब हो गई, अचानक से बंद हो गई, और देयर वर डीप स्क्रैचेस ऑल ओवर द बॉडी। और जब वो गिरी तो उसके बॉडी पे बहुत ज्यादा स्क्रैचेस आ गए। Rahul said goodbye to his friend and went inside the house. He forgot all about the Chuk Chuk. Soon it became dark. Poor Chuk Chuk was all alone, frightened in the bush. फिर क्या हुआ, अतुल जब चला गया तो अतुल और मोहन जो उसके फ्रेंड्स से वो चले गए, तो राहुल ने उन लोगों को गुड बाय बोला और वो वापस अपने घर के अंदर आ गया। लेकिन उसे जरा सा भी बिल्कुल भी ख्याल नहीं है छुक छुक का, और छुक छुक चूंकि अब बुश में गिर चुका है, वो उसकी हेडलाइट्स भी ऑफ हो चुकी हैं और वो बहुत ज्यादा डरा हुआ है, क्योंकि अब बहुत अकेला महसूस कर रहा है। क्योंकि जब राहुल उसके साथ
था, उसके साथ गेम खेलता था तो उसे अच्छा लगता था। लेकिन अब अचानक क्या हुआ है कि जब सब उसके फ्रेंड्स जा चुके हैं तो वो उसको उसका बिल्कुल ध्यान ही नहीं, उसको याद ही नहीं है कि वो छुक-छुक के साथ में खेल रहा था। टेडी वॉज वरीड अबाउट छुक-छुक। ही सेड टू ऑल टॉयज, छुक-छुक हैजंट कम बैक, वी मस्ट ट्राई टू फाइंड हिम। टेडी चूंकि वो सबका लीडर था, और भाई लीडर कोई कैसे बनता है भाई, उसके अंदर गुड क्वालिटीज होती हैं, वो सबको एक साथ रखता है, इसीलिए लीडर बनता है। और फिर उसकी गुड क्वालिटीज भी ये है कि वो सबका ध्यान रखता है। तो इसी तरह टेडी के दिमाग में एकदम से आया कि यार ये सब लोग तो उसके फ्रेंड्स भी जा चुके हैं, राहुल भी घर के अंदर आ चुका है, तो ये छुक-छुक कहाँ रह गया भाई। मिठू द पैरट सेड, Why should we worry about the chuk-chuk? It doesn't even talk to us. मिठू कहता है यार छोड़ो, हम क्या सोचे उसके बारे में, वो तो बात भी नहीं करता हम लोगों से, हम क्यों उसके बारे में सोचे। टेडी सेड मिठू, इट्स ट्रू वॉट यू से, बट आई थिंक छुक-छुक इज इन ट्रबल एंड वी मस्ट हेल्प इट। बट टेडी कहता है कि छुक-छुक देख भाई, तुम जो कह रहे हो वो बिल्कुल सही है, बट हमें इस वक्त छुक-छुक की मदद करनी चाहिए क्योंकि मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फील आ रही है कि वो किसी मुसीबत में है। देन ऑल द टॉयज अग्रीड टू लुक फॉर छुक-छुक, दे वेंट इनटू द गार्डन टू फाइंड इट, दे कॉल्ड आउट छुक-छुक, डियर फ्रेंड छुक-छुक वेयर आर यू। फिर सारे टॉयज गार्डन में जाते हैं और छुक-छुक को पुकारने लगते हैं कि दैट छुक-छुक छुक-छुक वेयर आर यू, माई डियर फ्रेंड वेयर आर यू। बट किसी को अभी क्योंकि उसकी बिल्कुल भी खबर नहीं मिल रही है, सब उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और छुक-छुक भी बेचारा क्या करे, एक तो इतना पहले से टायर्ड था, स्लीपी था, अब वो गिर गया, उसकी हेडलाइट चली गई और उस पर इतने सारे स्क्रैचेस आ चुके हैं। सडनली दे हर्ड अ सॉब्स कमिंग फ्रॉम द बुश, अचानक उन्हें कुछ सुस्कियों, कुछ रोते हुए सुस्कियों की आवाज आती है बुश से, क्योंकि वो बुश पे ही गिरा है। दे रैन टूवर्ड्स इट एंड फाउंड आउट छुक-छुक लाइंग इन इट। वो वहां पर जाते हैं और बुश में देखते हैं कि छुक-छुक वहां एकदम बेहाल पड़ी हुई है। टेडी एंड जम्बो पुल्ड इट आउट एंड ब्रॉट इट बैक टू राहुल्स रूम। जम्बो और टेडी उसकी मदद करते हैं और उसे राहुल के कमरे में वापस ले आते हैं। ऑल द टॉयज सेड लविंगली, डोंट वरी छुक-छुक, वी विल टेक केयर ऑफ यू। सभी जो टॉयज होते हैं वो अभी भी उससे बहुत प्यार से बोलते हैं और कहते हैं कि यार फिक्र मत करो, हम हैं ना, डोंट वरी, वी आर विद यू, वी विल टेक केयर ऑफ यू। दे क्लीन्ड इट प्रॉपरली, उसे क्योंकि बुश में गिरा था उसको बहुत सारी झाड़ियां लग गई थी, उसे मिट्टी लग गई थी, उसे वो साफ करते हैं। सिम द क्लोन टेप्ड छुक-छुक हेडलाइट and back into place, then it painted over all the scratches with red paint, छुक-छुक looked brightly and happy again। फिर क्या होता है कि वो उसे छुक-छुक को पेंट करते क्योंकि उसमें इतने गहरे गहरे स्क्रैचेस आ गए हैं कि उसको खुद को देख के बहुत बुरा लगता है। जैसे कि हम लोग के साथ में भी होता है, अगर हम गिर जाते हैं तो हमें स्क्रैच आते हैं तो हम उस पर बैंडेज लगाते हैं, और अब चूंकि छुक-छुक गिर गया उसके कई सारे स्क्रैचेस आ गए हैं तो उस पर उसके फ्रेंड्स क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं ताकि वो पहले जैसे लगे और वो ज्यादा वरीड ना हो। छुक-छुक आईज फिल्ड विद टीयर्स, छुक-छुक मतलब यार बहुत फील करता है कि हमने कैसे पहले तो नहीं देखा कि यार मेरे इतने सारे फ्रेंड्स बन सकते थे, बट अब मैंने उनको हेलो तक नहीं बोला और उन्होंने इतनी फ्रेंडशिप करने की कोशिश की, मैंने उनकी तरफ पलट के नहीं देखा, कभी कुछ रिप्लाई नहीं किया, अपनी तरफ से कुछ बढ़ने की कोशिश नहीं की, और आज वही फ्रेंड्स मेरी इतनी मदद कर रहे हैं, तो बहुत इमोशनल हो जाता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। एक्चुअली फ्रेंड्स ऐसा हम लोगों के साथ में भी होता है कि हम स्टार्टिंग में जैसे बहुत ज्यादा इग्नोर करते हैं, जब वो हमारी हेल्प करता है तो लगता है यार कि मैंने पहले इसे क्यों नहीं सुना, सुन लिया होता तो शायद मैं थोड़ी बेटर कंडीशन होती मेरी। बट इट सेड आई एम सॉरी, आई वॉज रूड टू ऑल ऑफ यू, विल यू बी माई फ्रेंड। अब चूंकि सब कुछ सही हो चुका है, छुक-छुक के दिमाग में ठिकाने आ चुका है, तो वो कहता है वो सबसे माफी मांगता है क्योंकि ये सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप भी कभी अपने फ्रेंड को हर्ट करें तो उससे बिल्कुल माफी मांग लें, उससे बिल्कुल सॉरी कह दें। और इसी तरह छुक-छुक भी वो उन टॉयज बाकी के टॉयज से सॉरी कह देता है, उसे कहता है यार आई एम सॉरी यार,
अब तो साथ में रहना है और आपने मेरी इतनी मदद भी की कि क्या आप मेरे फ्रेंड्स बनोगे? एवरीवन शाउटेड यस छुक छुक वी विल बी योर फ्रेंड्स. सब चिल्लाते हैं कि यस छुक छुक आई विल बी योर फ्रेंड, आई विल बी योर फ्रेंड. और जैसा कि अब वो सब दोस्त बन चुके हैं, वो हमेशा के लिए अब अच्छे से रहते हैं, साथ में रहते हैं, साथ में खेलते हैं और कुछ भी काम करते हैं साथ में करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं. और इसी तरह से बच्चों आप लोगों को भी करता है कि आप जब भी क्लास में होते हो या क्लास के अलावा आपके कॉलोनी के, आपके मोहल्ले के या आपके कजिन्स भी कभी कभी आपके बहुत अच्छे फ्रेंड्स होते हैं या फिर जो भी आपके मम्मी पापा भी आपके बहुत अच्छे फ्रेंड्स होते हैं, तो आप उनकी बात सुनिए, उनके साथ रहिए और बिना मतलब का घमंड, बिना मतलब का प्राउड मत करिए, क्योंकि ऐसी चीजें अक्सर आपको ही गड्ढे में डाल देती हैं. थैंक यू फॉर द वॉचिंग द वीडियो एंड फॉर द फर्दर डिटेल्स एंड वीडियोज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड स्टे कनेक्टेड विद अस ऑन स्कूल मित्रा.